हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक यूनिवर्सल यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टेज फियर के बारे में, यानी कि स्टेज के डर के बारे में, जो कि किसी ना किसी को कभी ना कभी सामना तो करना ही पड़ता है। ठीक है, कई सारे सेमिनार्स होते हैं, स्कूल से लेकर, कॉलेज से लेकर, ऑफिस की पार्टी से लेकर, कहीं भी आप ले लीजिए, सबको कभी ना कभी भाई 50, 100, 1,000,000 लोगों के सामने जब बोलना पड़ता है तो ऐसा लगने लग जाता है कि पता नहीं मतलब हमें क्या काम दे दिया ये बड़ा सा। और जब सारे लोग लाइन से बोल रहे होते हैं तो कई लोगों की तो इतनी बुरी हालत होती है कि जब हमारा नंबर आएगा तो हम क्या बोलेंगे, और सारे लोग हमें ही देख रहे होंगे, ये तो बोल भी रहे हैं, हम बोल भी पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। ये सारी नेगेटिव थिंग जो है हमारे अंदर आती रहती है, और हम जो है उसको सोच सोच के ही आधे हो जाते हैं। जब हमारा नंबर आता है तब तो हम हेजिटेट करते ही करते हैं, लेकिन उससे पहले ही हमारा 50% तो काम बैठे बैठे ही हो जाता है कि हम क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। तो इस फियर को दूर करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी कि आप इस फियर को, इस डर को आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हालांकि एक के साथ नहीं होता है, ये सबके साथ ही होता है। सबको हेजिटेशन होता है। जब कोई भी फर्स्ट टाइम स्टेज पे बोलने जाता है तो ऑब्वियसली सबको ही फर्स्ट टाइम जो है थोड़ा सा डर लगता है, हेजिटेट होते हैं लोग। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको किस तरीके से उसको तैयार करना है, किस तरीके से स्पीक करना है। आपको इसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ। सबसे पहले, अगर आपको पता है कि आपका क्या टॉपिक है तो आप उसकी प्रिपरेशन घर में कर सकते हैं, उसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, या तो आप मिरर के सामने बोल सकते हैं। और मिरर भी नहीं, आजकल तो सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन को आगे लगा के फ्रंट कैमरा उसका ऑन करके आप स्पीक कर सकते हैं उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, आपकी जो है उस पर पिक्चर आएगी, वीडियो पूरा उसमें जो है अपलोड हो रहा है, तो आप उसको फिर दोबारा से आप देख सकते हो कि आपने क्या बोला। ठीक है, सही बोला, गलत बोला, कैसा लगा, आपको खुद फील होगा कि आपने बोला क्या। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपने फ़ोन से ही अपनी वीडियो बना सकते हो, और उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि भाई ये मेरे लिए ठीक रहेगा बोलना या नहीं रहेगा। दूसरी चीज़, अगर आपको टॉपिक के बारे में ही नहीं पता और आपका सडनली नाम अनाउंस कर दिया गया और आपको स्टेज पे आना पड़ गया, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में देखो, शुरुआत में तो हेजिटेशन होता ही है, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं पर्संस, उनको जो है हेजिटेशन नहीं होता, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़बरदस्त होता है कि वो लोगों की थिंकिंग पे हैवी हो जाता है, लोगों पे हैवी हो जाता है। वो ये नहीं सोचते कि लोग हमें देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, और ये हमें देख के हंस रहा है। सपोज 100 लोगों में से एक बंदा हंस रहा है तो वो ये नहीं सोचेंगे कि ये मुझे देख के हंस रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा कुछ ब्रॉड माइंड वाले लोगों के लिए है, लेकिन जनरली जो फर्स्ट टाइम जाते हैं स्टेज पे, उनको तो हेजिटेशन होता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब भी ऐसा हो तो आप एक लंबी सी सांस ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उसको होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद आपको जो भी स्पीक करना है उसके बाद आप उसको स्पीक कर सकते हैं। ठीक है, आपको इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे पास तो जैसे कि कोई पहाड़ खोदना है ऐसा कोई काम आ गया है, और अब मैं करूँ तो करूँ कैसे इसको। जनरली जैसे आप टॉक करते हैं उस तरीके से आप उसको टॉक कर सकते हैं। किसी बेसिकली किसी टॉपिक के बारे में, किसी चीज़ के बारे में आपको बोलना है, अपने बारे में बोलना है। अपने बारे में तो भाई सबको ही पता होता है, अपने बारे में इंट्रोडक्शन का तो सबको ही पता होता है, बस हमारे अंदर क्या फियर बार बार घूम के आ रहा होता है कि हम बोल रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। तो ऑब्वियसली ऑडियंस तो सुनने के लिए बैठे ही है ना, हम जो बोलेंगे, जो स्पीक करेंगे वो सुनेंगे, हम फ्रंट में खड़े हो रखे तो ऑब्वियसली वो तो सुनेंगे। तो हमें इस तरीके से स्पीक करना है ताकि हमारा अच्छा इम्प्रेशन पड़े। हमें जो हमारे ऊपर जो नेगेटिव चीज़ें वो हैवी होने वाली हैं उनको हमें थोड़ा सा दूर ही रखना है, हमें उनको हैवी नहीं होने देना है अपने ऊपर। हमें लगातार जो है स्पीक करते रहना है, और बोलना वो है जो लॉजिकली उस टॉपिक से बिलोंग करता हो, जो सही हो, अच्छा हो। ये बोलने से ये मतलब नहीं कि कुछ भी बोलते रहो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो आप समझ गए होंगे कि स्टेज पे जाने से पहले आपको एक तो पहले प्रिपरेशन करनी है, अगर आपको पता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आप सडनली आपको जाना पड़ गया स्टेज पे और आप काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे हो, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। कुछ लोग तो मज़े मज़े में अच्छे से बोल लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को जो है हेजिटेशन होता है। तो उनको एक लंबी सी सांस लेनी है, थोड़ा कूल डाउन होना है, उसके बाद जो है स्पीक करना है, ठीक है। ज़्यादा आवाज़ को लड़खड़ाना नहीं है ऐसे, मतलब हेजिटेशन, जो आदमी हेजिटेट हो रहा होता है उसका अपना आप पता चल जाता है, क्योंकि उसका जो वॉइस मॉड्यूलेशन होता है वो किस तरीके से वो स्पीक कर रहा है, तो सब लोग समझ जाते हैं कि ये जो है हेजिटेट कर रहा है। तो इस फियर को आपको भगाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत ही छोटा सा काम है। बस आपको जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है। आपको ये भी माइंड में रखना है कि जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं बोल रही हूँ, क्या इस क्राइटेरिया के लिए ये राइट है? कुछ मैं ऐसा तो नहीं बोल रही हूँ जो कहीं और से लिंक करता है, और यहाँ से जिस चीज़ के लिए ऑडियंस बैठे हैं और जो जिस बारे में मैं स्पीक कर रहा हूँ वो इससे लिंक नहीं करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपको बता ही चुकी हूँ कि पहले आपको घर में थोड़ा सा रिहर्सल करना है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप थोड़ा सा, आपके लिए 50% तो ईजी हो ही जाएगा बोलना, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो है एक स्ट्रेटजी अपनी ऐसी करनी है कि जो ये ऑडियंस बैठे हैं मेरे सामने, ये छोटे छोटे बेबीज़ हैं। क्योंकि कई बार क्या लगता है आदमी को कि ये मुझे देख के हंस रहा है, वो दोनों बात कर रहे हैं, तो शायद मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, तो वो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं और मेरे बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि मैं, हो सकता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। तो ऐसा नहीं आपको सोचना है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि ये जो है बेबीज़ हैं, ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं, और सिर्फ मैं इनको जो है टीच कर रहा हूँ इस वक्त, और मुझे जो बोलना है मुझे इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना है और उसको माइंड पे नहीं लेना। क्योंकि अगर मैं उसको उस वक्त माइंड पे ले लूँगा तो फिर क्या होगा, वो जो नेगेटिव चीज़ है वो हमारे ऊपर हैवी हो जाएगी और हमें जो बोलना है हम वो भी नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों को, उनको छोटा बच्चा समझकर आपको जो है साइड में रखना है, और आपको अपना टॉपिक जो है लगातार कंटिन्यूअसली आपको बोलते रहना है। इधर उधर आपको जो आपकी आईज़ होती है, आपका जो आईज़ कांटेक्ट है वो आपको पूरा चारों तरफ, यानी कि जहाँ भी ऑडियंस बैठी हैं वहाँ पे आपकी पूरी निगरानी में होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ एक बंदे की तरफ देख रहे हो, ठीक है। एक बंदे की तरफ देखोगे तो आप ज़रूर थोड़ा सा नर्वस फील करोगे, तो आपको जो है आपको आपकी दिशाओं में, यानी कि आपका फ्रंट में, चारों तरफ आपकी फ्रंट में, बैक साइड की बात नहीं कर रही हूँ मैं आपकी, तो आपका फ्रंट में आपका नज़रिया जो होना चाहिए वो सारे ऑडियंस के ऊपर होना चाहिए, एक के ऊपर, दो के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप माइंड से निकाल दें कि वो मेरे बारे में बात कर रहा है, वो क्या कहते हैं मुझको देख के हंस रहा है, ठीक है। ये चीज़ें अगर आप अपने अंदर लाओगे तो आप एक शब्द भी स्पीक नहीं कर पाओगे, ठीक है। डेफिनेटली आप जो है वहाँ पे होल्ड कर दोगे, आप वहाँ से निकलते बढ़ोगे। तो इन चीज़ों को आपको अपने अंदर नहीं लाना है। जैसे ये चीज़ें आपके अंदर आती हैं उनका सामना आपको कर देना है, उनको दूर भगा देना है, और अपना जो है लगातार आपको बोलते रहना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये कोई नहीं ला सकता किसी के अंदर। ये चीज़ें आपको ही अपने अंदर जगानी पड़ेंगी, आपको अपने अंदर लानी पड़ेंगी कि भाई सब हमारी तरह होते हैं, कोई बड़ा छोटा ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सब ह्यूमन बीइंग हैं, लेकिन थोड़ा सा सबका तरीका अलग अलग होता है, स्पीक करने का, पहनने का, हर चीज़ का, बैठने का, उठने का। ये चीज़ अपने अंदर लानी है, आपको नॉलेज क्रिएट करना है, ठीक है। रही स्टेज फियर की बात, तो स्टेज फियर आपको कैसे दूर करना है ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये सिर्फ आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी देख सकते हैं, लेकिन मोटिवेशनल वीडियोस को देख के आप कितने मोटिवेट होते हैं ये तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। वो चीज़ें आप बाद में फॉलो करते हो या नहीं करते हो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है,
ठीक है, उससे आपकी सोच कितनी बदली कितनी नहीं बदली, कुछ दिनों बाद फिर आप भूल गए हो, तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी अगर आपको मोटिवेट कर रहा है तो वो आपके अंदर तो नहीं घुस सकता, ठीक है, वो सिर्फ आपको स्पीक करके मोटिवेट कर सकता है। उसकी चीज़ें लाना, उसकी बातें फॉलो करना, वो सिर्फ आप कर सकते हो खुद, और कोई दूसरा बंदा मेरे ख्याल से तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें खुद ही देखनी है कि आपको कैसे स्पीक करना है स्टेज पर जाकर, आपको सारे ऑडियंस के सामने कैसे अपना फीडबैक देना है, कैसे आपको बोलना है अच्छे से, ठीक है, इम्प्रेशन अपना अच्छा डालना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। ओके, थैंक यू।